हेलो बेटे, आई होप ऑल ऑफ यू आर वेल। आज मैंने दो क्वेश्चन पहले ही लिख के रखे हैं। ठीक है, आप बोलते हो ना मैम बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, बहुत लंबी वीडियो हो जाती है, क्वेश्चन लिखने में लग जाता है भाई। ठीक है, क्वेश्चन नहीं लिखेंगे तो तुम्हें समझ नहीं आएगा। तो आज हमने पहले से ही दो क्वेश्चन लिख के रखे हैं। आई थिंक आप सभी को अच्छे से विजिबल तो होंगे, दोनों क्वेश्चन करेंगे। तो कल हमने क्या की थी, कल हमने ट्रिक की थी। आप देखेंगे ट्रिक से होता है या नहीं। तो पहला क्वेश्चन देखो, ए बॉय रोड हिज बाइसाइकिल नॉर्थवर्ड देन टर्न लेफ्ट। एक लड़का है, उसने अपनी साइकिल वो नॉर्थवर्ड चल रहा है, ठीक है, और वो चलने के बाद किस डायरेक्शन में मूव हो गया, लेफ्ट डायरेक्शन में मूव कर गया, ठीक है, एंड रोड 1 किलोमीटर। और क्या हुआ, लेफ्ट मुड़ने के बाद उसने क्या देखा, वो 1 किलोमीटर चला, ठीक है, लेफ्ट जाने के बाद वो कहां चला, 1 किलोमीटर चला, उसके बाद एंड टर्न लेफ्ट एंड रोड 2 किलोमीटर। 1 किलोमीटर लेफ्ट में जाने के बाद फिर से लेफ्ट टर्न ले लिया और 2 किलोमीटर और चला। ही फाउंड हिमसेल्फ 1 किलोमीटर वेस्ट ऑफ हिज स्टार्टिंग पॉइंट। 1 किलोमीटर वेस्ट पे है उसकी स्टार्टिंग पॉइंट से। हाउ फार डिड ही राइड नॉर्थवर्ड, उसने कितना डिस्टेंस जब वो नॉर्थवर्ड चला था तब कितना मेंटेन किया था। तो अगर फेसिंग होता या मूविंग होता तो हम इजिली अपनी ट्रिक लगा लेते, लेकिन ना तो हमसे यहां पर फेसिंग पूछा है ना मूविंग, तो ट्रिक नहीं अप्लाई होगी। अब क्या अप्लाई होगा, देखो वही है, अपना जनरल बेसिक लेकर चलो। यहां पर मैंने बनाया नॉर्थवर्ड चला वो कुछ, तो मैंने मान लिया इतना नॉर्थवर्ड चला। इस पॉइंट पर जाने के बाद उसने क्या ले लिया, कुछ डायरेक्शन चला, आई डोंट नो वेदर व्हाट इज दिस डायरेक्शन, मैंने इसको एक्स मान लिया। इसके बाद वो कहां चला, उसने लेफ्ट टर्न ले लिया। नॉर्थ से लेफ्ट मतलब लेफ्ट कैसा, एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज ले लो, एंटी क्लॉकवाइज। उसने फिर वो कितना चला है, 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, ठीक है, और ये डायरेक्शन ये अपनी लिख कर चला करो भाई साथ साथ, अदरवाइज ना फिर भूल जाते हो और फिर सारा गोच मोच कर देते हो। यहां पर इसके बाद 1 किलोमीटर चलने के बाद फिर से उसने लेफ्ट टर्न ले लिया, तो वेस्ट से लेफ्ट एंटी क्लॉकवाइज साउथ साउथ। अभी कुछ डायरेक्शन चला, मुझे नहीं पता कितनी चला, चला ही 2 किलोमीटर यहां पर, ठीक है। अब 2 किलोमीटर चलने के बाद मुझे ये नहीं पता इनिशियल पोजीशन से ऊपर है नीचे है या फिर कहां पर है, ठीक है, तो मैंने यहां से मान लिया इसको कि यहां पर पहुंच गया 2 किलोमीटर चलने के बाद, ठीक है, बच्चा था थक ना जाए इसलिए। तो यहां से देखो, ही फाउंड हिमसेल्फ 1 किलोमीटर वेस्ट ऑफ हिज स्टार्टिंग पॉइंट। 1 किलोमीटर वेस्ट मतलब एग्जैक्टली इसका वेस्ट ये वाली लाइन है ना, ये वाली लाइन जो बिल्कुल ही इस पॉइंट से पास हो रही होगी और बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, क्या ये वाली लाइन इसके वेस्ट में होगी या फिर ये लाइन इसके वेस्ट में होगी, तो मतलब पॉइंट इस लाइन पर लाई करेगा उसका फिनिशिंग पॉइंट, ना तो ऊपर और ना ही नीचे, ठीक है। तो ये हमें यहां से क्लियर हो गया, वेस्ट तो यही होगी क्योंकि ऊपर तो क्या हो जाएगी नॉर्थ वेस्ट, नीचे साउथ वेस्ट, तो वेस्ट ये होगी, मतलब वो बंदा आखिर में यहां पर पहुंचा है। और ये जो डिस्टेंस उसने बता रखी है कितनी है, 1 किलोमीटर, इसका मतलब 1 किलोमीटर ये, 1 किलोमीटर ये, तो ये 2 किलोमीटर है, तो ये भी कितनी होगी, 2 किलोमीटर। तो वो नॉर्थ वाइड कितनी चला था, 2 किलोमीटर चला था। इतना इजी सा क्वेश्चन था, समझाने में इतनी देर लगी वरना 30 सेकंड में हो जाना चाहिए था, ठीक है। बस ये बताया कि हमें इसमें ट्रिक नहीं लग रही थी, कोई ऐसे ना करे कि नॉर्थ है लेफ्ट टर्न लिया, लेफ्ट टर्न लिया फिर वेस्ट, तो मतलब क्या हुआ, ये तो मैडम ने गलत बता दिया है ना। तो वो नॉर्थ में जा रहा था, ठीक है, नॉर्थ में वो जा रहा था, और इसने ये नहीं लिखा है कि वो एट लास्ट किस डायरेक्शन में फेस कर रहा है। देखो अगर तुम इसमें ट्रिक अप्लाई करते तो एट लास्ट जो हमने डायग्राम अभी बनाया तो वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, साउथ में, उसका फेस किस में है, साउथ डायरेक्शन में है ना, साउथ में मूव कर रहा है, और ट्रिक हमारे लिए सिर्फ वहीं पर अप्लाई होती है किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो ये साउथ में यहाँ पर मूव कर रहा है। और अगर आप नॉर्थ में से 2L लगाओगे, 2L मतलब अपोजिट डायरेक्शन, कल किया था हमने, तो वो क्या हो जाएगी, अपोजिट डायरेक्शन मतलब साउथ, ठीक है। अब ये क्वेश्चन क्लियर हो गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट जो है हमारे पास, रीना वॉक ए टू बी इन द ईस्ट 10 फिट। ईस्ट डायरेक्शन में वो कितने उसने मूव किया, 10 फिट मूव किया, ठीक है, 10 फिट। देन शी टर्न टू द राइट, वो राइट में मुड़ गई, ईस्ट से राइट में मुड़ी मतलब
क्लॉकवाइज राइट में मुड़ी और कितना चली, 3 फिट, 3 फिट चली। ये इसको बाहर की साइड लिखो तो ज्यादा बेटर रहता है, ठीक है। एंड अगेन शी टर्न टू द राइट एंड वॉक्ड 14 फिट, फिर राइट मुड़ी और वो 14 फिट चली। तो यहां तक तो कितना हो गया, 10, मतलब इससे आगे 4 फिट और, ठीक है, ये वाला 10 और ये टोटल कितना है 14। आपको फाइनली यहाँ पर पहुंच गई, हाउ फार इज शी फ्रॉम ए, ए से वो कितने दूरी पर है, ये पॉइंट ए मान लिया, ये बी, ये सी, ये डी, कुछ मान लो ये ई। अब आपको इस ई पॉइंट की जो फाइनल पॉइंट है इसकी ए से दूरी बतानी है, ठीक है। अगर आपसे ये दूरी ना पूछ के ये पूछता फाइनली इन विच डायरेक्शन सी इज मूविंग, तो ट्रिक लगा देते, पहले ईस्ट में मूव करी थी, फिर राइट लिया, फिर राइट लिया, फाइनल डायरेक्शन बतानी है तो क्या हो जाएगी, 2R, ईस्ट का अपोजिट वेस्ट, और ये कहां पर मूव कर रही है, वेस्ट में मूव कर रही है। ट्रिक भी दिखा दी कैसे लगेगी। अब जब न्यूमेरिकल वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करेंगे भाई, डायग्राम बनाना पड़ेगा फिर, ठीक है। ये देखो ये डिस्टेंस कितनी है इस वाले डिस्टेंस के बराबर, क्योंकि एग्जैक्टली स्ट्रेट डायरेक्शन में आ रही है ना वो, स्ट्रेट उसने 90 डिग्री लिया था मतलब शार्प 90 डिग्री टर्न, राइट लिया था मतलब शार्प 90 डिग्री टर्न क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई, 3 फिट, ये कितनी है 4 फिट, और ये आपको निकालनी है, ए ई निकालनी है, तो क्या हो जाएगा, ई डी का स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर और अंडर द रूट 9 + 16 अंडर द रूट इक्वल्स टू 5। तो वो क्या है, 5 फिट की दूरी पर है अपने इनिशियल पॉइंट से, इनिशियल पॉइंट से 5 फिट की दूरी पर है, हो गया। अब अगर आपसे पूछ लेता इन विच डायरेक्शन His ending point from his initial position, ending point किस direction में है, initial position से, तो ending point कौन सी direction में है, इस point के लिए अगर आप direction बनाओगे तो ऊपर north, इधर east, इधर west और नीचे south, यही बनेगा ना। आप देखो इसको एक बार के लिए हटा दो, तो अगर इस point के लिए direction बनाओगे तो यहाँ पर south, ऊपर north, इधर east और इधर west, तो ये इसमें आ रहा है, किसमें आ रहा है ना पॉइंट, तो इसका मतलब क्या हुआ, किस डायरेक्शन में है ये, साउथ वेस्ट डायरेक्शन में है। कौन सी डायरेक्शन में है, साउथ वेस्ट डायरेक्शन में है। एक मिनट रुकना भाई। अब अगर आपसे ये पूछ लेता कि इनिशियल पॉइंट उसके फाइनल पॉइंट से किस डायरेक्शन में है, तो हम क्या बनाते, फिर हम इस वाले पॉइंट के लिए डायरेक्शन देखते। जब इस पॉइंट के लिए देखते तो देखो फाइनल से इधर इसका ईस्ट, इधर वेस्ट, इधर साउथ और ये इसका क्या होता, नॉर्थ, मतलब ये क्या है, इसके नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है। तो अगर आपसे इस तरह से कोई डायरेक्शन पूछे तो ये साउथ वेस्ट में है, एग्जैक्टली उसका अपोजिट ले जाओ नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। साउथ ईस्ट में होता है एग्जैक्टली उसका अपोजिट नॉर्थ, साउथ वेस्ट, सॉरी नॉर्थ वेस्ट बोला ना मैंने, तो साउथ ईस्ट, ठीक है। तो ये होता है भाई। नेक्स्ट देखो, दोनों क्वेश्चन हो गए हैं, ट्रिक भी अप्लाई करके दिखा दी और वैसे भी, तो आई थिंक अब इस तरह के क्वेश्चन तो आप लोग कर लेंगे। अब है हम नेक्स्ट लेंगे हमारा एक और क्वेश्चन, ट्रिक भी देखेंगे और नॉर्मली कैसे करेंगे वो भी देखेंगे, ठीक है। तो थर्ड जो क्वेश्चन है एंगल में, और एंगल में भी रोटेशन कैसे दिखाता है, तो क्या है, ए मैन इज फेसिंग नॉर्थ फर्स्ट, टर्न्स, ए मैन कौन सी डायरेक्शन में है, नॉर्थ डायरेक्शन में उसका फेस है, पहले वो कहाँ टर्न करता है, 45 डिग्री क्लॉकवाइज टर्न करता है, उसके बाद देन ही टर्न्स 90 डिग्री, देन ही टर्न्स 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, उसके बाद 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज टर्न करता है, एंड फाइनली ही टर्न्स, और फाइनली कितना टर्न करता है, 125 डिग्री क्लॉकवाइज, इन विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग, तो वो किस डायरेक्शन में फाइनली है। तो इसके लिए क्या है ट्रिक, आप क्लॉकवाइज को क्या लें प्लस और एंटी क्लॉकवाइज को क्या लें माइनस, ठीक है। जहां पर भी आपको क्लॉकवाइज रोटेशन दे रखी हो वहां पर तो क्या ले लो प्लस, और जहां पर एंटी क्लॉकवाइज दे रखी हो वहां पर क्या ले लो माइनस, ठीक है। और ये अपना देख लेना, ये तो आप लोगों से सिर्फ
डायरेक्शन की फेसिंग पूछ रखी है, अगर आपसे जैसे कल पूछा था हाइट वगैरह पूछ रखी हो तो अपना बेसिक्स के थ्रू जाओ, ट्रिग्नोमेट्री के थ्रू, ठीक है। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आए तो कैसे करना है वो देखो, पहले बेसिक से देखिए, बेसिक से हम कैसे करते, तो देखो पहले वो किसमें है, नॉर्थ में, फिर 45 इसने क्लॉकवाइज लिया है घड़ी की डायरेक्शन में, तो नॉर्थ से 45 डिग्री कहां पर आता है, एक बार डायरेक्शन का बेसिक देखो, ये क्या था, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और वेस्ट। नॉर्थ से 45 डिग्री पर, एग्जैक्ट 45 डिग्री पर क्या होता है, नॉर्थ ईस्ट, यहां पर क्या होता है, साउथ ईस्ट, ये साउथ वेस्ट और ये नॉर्थ वेस्ट, इस तरह से होता है। तो जब नॉर्थ से उसने 45 डिग्री लिया तो वो किस डायरेक्शन में पहुंचता है, नॉर्थ ईस्ट में। अब नॉर्थ ईस्ट में आने के बाद उसने क्या किया, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमा है, मतलब 90 डिग्री, तो यहां से 45 तो एंटी क्लॉकवाइज, मतलब 45 भी तो नॉर्थ में और फिर 45 और घूमा है, तो वो कहां पहुंच गया है, अब नॉर्थ वेस्ट में। एंड फाइनली ही टर्न्स 125 डिग्री क्लॉकवाइज, और फाइनली कहां पर पहुंचा है, 125 डिग्री क्लॉकवाइज, मतलब 135, अच्छा ठीक है, 135 डिग्री क्लॉकवाइज। तो यहां से देखो 90 डिग्री तो ये घूम कर आया था, वही घूमा और फिर 45 डिग्री और घूम गया, ठीक है, तो किस डायरेक्शन में आ गया, ईस्ट डायरेक्शन में आ गया। अब वो फाइनल हमारा आंसर इससे क्या आया, ईस्ट डायरेक्शन। अब अपनी ट्रिक लगाओ, क्लॉकवाइज के लिए लेना है प्लस, तो प्लस 45, माइनस लेना है एंटी क्लॉकवाइज के लिए, मतलब माइनस 19, और प्लस लेना है फिर इसके लिए, तो क्या आ गया, 135 डिग्री, ठीक है, क्लॉकवाइज के लिए। तो यहां से माइनस कर दो, प्लस आएगा ना क्लॉकवाइज के लिए, तो ये आ गया। अब यहां से इसमें अगर 45 ऐड करेंगे कितना बन जाएगा, 180 माइनस 90 कितना बन गया, 90 डिग्री। अब प्लस या माइनस करने के बाद अगर प्लस आता है तो वो डायरेक्शन जो पहले आपको गिवन है उससे क्लॉकवाइज में घूम जाना है आपको, और अगर ये ऑपरेशन लगाने के बाद माइनस आता है तो आपको एंटी क्लॉकवाइज में घूम जाना है, ठीक है। तो यहां से पॉजिटिव डायरेक्शन में घूमोगे, प्लस डायरेक्शन में घूमोगे, तो क्या आ जाएगा, नॉर्थ से 90 डिग्री क्लॉकवाइज क्या आ जाता है, ईस्ट। आंसर इज सेम एज दैट ऑफ फ्रॉम बेसिक। तो ये देखो सिर्फ हमें क्या करना था, एड तो करना था, क्यों इतना ड्रामा करें, ये सब बनाए। तो ये क्या था हमारे पास, सिंपल सा क्वेश्चन जो कि 10-20 सेकंड का था मुश्किल से, ठीक है, देखते देखते क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते कर दोगे उसको। नेक्स्ट है आप लोगों के पास डायरेक्शन चेंज, कि अगर ये डायरेक्शन ये है, ये डायरेक्शन ये है, तो ये क्या होगी। तो देखो क्वेश्चन देख लेते हैं फिर ट्रिक बता देंगे। इफ साउथ ईस्ट इज कॉल्ड ईस्ट, अगर साउथ ईस्ट को ईस्ट बोलते हैं, नॉर्थ वेस्ट को वेस्ट बोलते हैं, साउथ वेस्ट को साउथ, एंड सो ऑन, व्हाट विल बी नॉर्थ कॉल्ड, एंड सो ऑन, व्हाट विल बी नॉर्थ कॉल्ड, सो ऑन, नॉर्थ को क्या कहेंगे ये पूछा है, ठीक है, नॉर्थ को क्या कहेंगे। तो देखो स्टार्टिंग से बनाओ, यहां पर ईस्ट, नॉर्थ, साउथ और वेस्ट, क्या कहा है, साउथ ईस्ट इज कॉल्ड ईस्ट, जो साउथ ईस्ट है इसको क्या कहते हैं, ईस्ट कहते हैं, इसको ईस्ट कह रहे हैं, मतलब साउथ ईस्ट यहां पर है, मतलब क्या हुआ, 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है, ठीक है, 45 डिग्री क्या घुमा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है। साउथ वेस्ट इज कॉल्ड साउथ, तो साउथ वेस्ट जो है वो यहां पर है, इसको क्या बोला है, साउथ, तो मतलब 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है। तो आपको क्या करना है, माइनस 45, यहां से क्या हुआ है, माइनस हो रहा है ना, जब 45 डिग्री, तो आप से जो भी डायरेक्शन पूछी है उसको भी आप क्या कर दो, 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमा दो, ये नॉर्थ है, 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमा दोगे तो ये क्या बन जाएगा, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। या फिर आपको क्या करना है,
45 डिग्री या तो एंटी क्लॉकवाइज या फिर -45 कर दो, बात एक ही है। तो ये है, एक को देखते ही आपको बाकी कंप्लीट। ऐसा नहीं है कि अलग अलग डायरेक्शन का अलग अलग नाम दे देंगे, कोडिंग डिकोडिंग नहीं है, डायरेक्शन है। अगर एक को एक पैटर्न से चेंज किया है तो बाकी सभी को उसी पैटर्न से चेंज किया होगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इन्वर्टेड जो हो जाता है फेस चेंजिंग, ठीक है। अब आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, अगर नॉर्थ साउथ वेस्ट को अगर नॉर्थ ईस्ट कहते हैं तो साउथ को क्या कहेंगे? क्वेश्चन है, साउथ वेस्ट को अगर नॉर्थ ईस्ट कहते हैं तो साउथ को क्या कहेंगे, ये आप लोगों को निकालना है और आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अब पहले एक चीज ये देख लो, जो जनरल है वो, अगर ये ईस्ट डायरेक्शन में है, ये साउथ है, वेस्ट एंड नॉर्थ। अगर कोई इंसान है वो ईस्ट डायरेक्शन में फेस कर रखा है उसने, तो उसके एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेफ्ट, क्लॉकवाइज में राइट, इसका लेफ्ट इसका राइट, ये लेफ्ट होगा ये राइट, और यहां पर ये लेफ्ट होगा और ये होगा राइट, ठीक है। लेफ्ट राइट, अगर वो साउथ में है तो इधर लेफ्ट होगा, साउथ में उसका फेस है तो इधर लेफ्ट होगा इधर राइट, वेस्ट में फेस है तो नीचे लेफ्ट इधर राइट। मतलब वेस्ट में अगर किसी इंसान का फेस है तो उसका लेफ्ट हैंड किधर होगा? साउथ की तरफ, और राइट हैंड कहाँ होगा? नॉर्थ की तरफ। अगर ईस्ट में किसी का फेस है तो उसका लेफ्ट हैंड किधर होगा? नॉर्थ की तरफ, और राइट हैंड किधर होगा? साउथ की तरफ। इसी तरह अगर नॉर्थ में किसी का फेस है तो लेफ्ट हैंड कहाँ पर होगा? वेस्ट की तरफ, और राइट हैंड कहाँ पर होगा? ईस्ट की तरफ। क्लियर है? आई डोंट थिंक एनी टाइप ऑफ एनी डाउट यहाँ पर होना चाहिए आप लोगों को किसी भी तरह का। क्वेश्चन देख लेते हैं हम, क्वेश्चन क्या है? तो क्वेश्चन है, इन अ मॉर्निंग ए पर्सन वाज परफॉर्मिंग योगा, इन अ मॉर्निंग अ पर्सन वाज परफॉर्मिंग योगा। एक मॉर्निंग में एक पर्सन योगा परफॉर्म कर रहा था, विद हिज हैड डाउन एंड लेग्स अप, विद हिज हैड डाउन एंड लेग्स अप, लेग्स अप, इफ एट द टाइम हिज फेस टुवर्ड्स वेस्ट, एंड एट दैट टाइम हिज फेस वॉज टुवर्ड्स वेस्ट। उसका फेस किधर था भाई? वेस्ट की तरफ था। देन इन विच डायरेक्शन हिज राइट हैंड, देन इन विच डायरेक्शन हिज राइट हैंड वॉज। तो देखो, एक तो क्या है, आप ऐसे करो कि अगला बंदा सीधा खड़ा है, सीधा खड़ा है तो क्या है, उसका लेफ्ट इधर है राइट इधर है, फिर वो घूम गया। अगर वो इस तरह से घूमता, टर्न ऐसे लेता, मतलब मान लो ये नॉर्थ, ये ईस्ट है मेरे सामने, ठीक है, ईस्ट है, ओके, इधर ईस्ट मान लो, इधर ईस्ट है, ठीक है, तो तुम्हारी तरफ मेरा कौन सा हाथ है? लेफ्ट हैंड है, ठीक है। जैसे ही मैं टर्न ले लूं वेस्ट की तरफ, तो वेस्ट की तरफ जाते ही क्या हो जाएगा, तुम्हारी तरफ मेरा राइट हैंड हो जाएगा ना, हो जाएगा, ओके। तो अब देखो, पर्सन क्या है, किस तरफ है? ईस्ट में। जब ईस्ट में फेस करेगा तो क्या होगा, उसका लेफ्ट हैंड किधर होगा, किस डायरेक्शन में होगा? ईस्ट में फेस करेगा तो लेफ्ट हैंड नॉर्थ की तरफ होगा। तो यहां पर क्वेश्चन में क्या बोला है, हिज फेस वाज टुवर्ड्स वेस्ट। अब उसका फेस जो है वो वेस्ट में है, ठीक है, फेस कहां पर है? वेस्ट में है। अब मैंने ऐसे टर्न ले ली तो मेरा हाथ घूम गया, ठीक है, बट अगर मैं ऐसे टर्न ले लेती, इस तरह से टर्न लेती, तो क्या मेरा हाथ घूमता? नहीं ना, जिस डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन में रहता। देखो, मैं ये मार्कर है, ओके,
और ये वाला जो मार्कर है जो ये पेन की इधर लगाने वाला है स्पॉट जो है वो कहाँ है, लेफ्ट हैंड मान लिया वो आपकी तरफ है, इसका फेस इधर राइट में है। अब मैं अगर इसका फेस को लेफ्ट वेस्ट में करना चाहूं तो मैंने वेस्ट कर दिया तो इसका चेंज हो गया ना, मतलब मेरी तरफ आ गया अब इसका लेफ्ट हैंड। बट अगर इसको मैं इस तरह से चेंज करूं, इसको ऐसे घुमाऊं, तो इसका क्या होगा, सिर्फ मुंह घुमा है, मुंह जो पहले ईस्ट में था वो अब किस डायरेक्शन में हो गया है, वेस्ट में हो गया है, बट लेफ्ट हैंड लेफ्ट की तरफ है और राइट हैंड राइट की तरफ है। ठीक है, तो पहले कहां पर था, जब ये वेस्ट डायरेक्शन में उसका फेस है तो वेस्ट डायरेक्शन में फेस है तो उसका राइट नॉर्थ की तरफ होगा और लेफ्ट कहां पर होगा, साउथ की तरफ। ठीक है, सिर्फ ये समझने की बात है कि आपने 180 का टर्न नहीं लिया है, आपने सीधा खड़े हो और फिर घूम गए हो, तो खड़े हो तब घूमे हो तो आपका लेफ्ट तो लेफ्ट में रहेगा और राइट राइट में रहेगा, जैसे हमने मिरर इमेज और वोटर इमेज में किया था ना, उसी तरह से है ये, लेफ्ट लेफ्ट में रहेगा और राइट राइट में, सिर्फ ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर। ओके, फेस चेंज हो गया है बट चीजें तो सेम है, फेस चेंज हुआ है बट चीजें सेम है, लेफ्ट लेफ्ट में ही है और राइट राइट में ही है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, राइट किस डायरेक्शन में हो जाएगा, नॉर्थ में, और लेफ्ट किस में हो जाएगा, साउथ में। आई थिंक ये हो गया होगा। अब हम क्वेश्चंस करेंगे कल शैडो से रिलेटेड, उसकी ट्रिक देखेंगे, शैडो से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, फिर डायरेक्शन चैप्टर कंप्लीट।